जनपद की आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एडीएम सिटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में सेवाती देवी ने बताया कि हम लोग 2006 से कार्य कर रहे हैं, जबकि प्रशासन हम लोगों से ज्यादा काम कराकर कुछ कामों का ही पैसा देती है, वह भी पैसा आधा अधूरा मिलता है क्योंकि अधिकारी पैसा खा जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन 25,000 किया जाए और मुफ्त इलाज व सभी सुविधा मिले, क्योंकि हम लोगों को इलाज का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि सरकार बीपीएल कार्ड वालों का ही आयुष्मान कार्ड बनवा रही है। अधिकतर लोगों का बीपीएल कार्ड नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए सीएमओ से शिकायत भी की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आशा कर्मचारी सेवाती देवी ने कहा, हमारा नाम है सेवाती देवी, खोराबार ब्लॉक। प्रदर्शन किस लिए कर रहे हम लोग? ये प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को सरकार, हम लोग 2006 से हम लोग नियुक्त हैं, चार चीज का हमको पैसा देती है, 10 काम हमसे फ्री में कराती है। जैसे हम लोगों का 4 मद का 6 मद का पैसा मिलता है, वो भी आधा अधूरा। ब्लॉक मांगे हम लोगों की ये है कि हम लोगों को राज कर्मचारी घोषित किया जाए, कम से कम हम लोगों को 25,000 कम से कम 25,000 मानदेय मिला, और हम लोगों को मान लीजिए बीमार होने पर हम लोगों को सरकारी इलाज मिले, सुविधा मिले सरकार की तरफ से। हम लोग अगर बीमा करवाया गया लेकिन उसका हम लोगों को कुछ मिला नहीं प्रूफ। आयुष्मान भारत का तो लाभ, आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है, उसमें भी सबका नहीं है। उसमें भी एक नियम लगाए हैं लोग कि जिनका बीपीएल कार्ड रहेगा, अंत्योदय कार्ड रहेगा, उनका बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सबका अंत्योदय या बीपीएल कार्ड है, कहीं 10 लोगों में एक लोगों दो लोगों का है। तो ऐसे हम लोग दिन भर रात भर काम करते रहते हैं पुलिस के जैसा, लेकिन हम लोगों को मानदेय के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। केवल प्रोत्साहन मिलता है, 100 रुपया होता है तो 50 रुपया कमीशन में लोग ले लेते हैं, 50 रुपया हम लोगों तक पहुंचता है। शिकायत की वजह से कमीशन ले लेते हैं तो? अब हम लोग शिकायत करते हैं तो उन्हीं लोगों में मिलजुल के हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े अधिकारी हम लोग सीएमओ, हम लोगों का अधिकारी, हम लोग सीएमओ के पास जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम लोग देख लेंगे, और वो लोग देखने के बजाय क्या करते हैं कुछ, फिर हम लोगों को जवाब नहीं मिलता। फिर एक महीने के बाद फिर वही काम चालू हो जाता है।